इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप हमारा चैनल YT एजुकेशन भी सब्सक्राइब करके रखें, जहां पे आपको बिहार सिपाही, बिहार दरोगा, BPSC और बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी अपडेट आपको अब लगातार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि CSBC की तरफ से 21,391 पद की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई, लेकिन पेपर लीक होने के चलते ये बहाली की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब फिर से इसका री एग्जामिनेशन डेट घोषित कर दिया गया है। तो अब आपके लिए क्या नई सूचना है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एडमिट कार्ड को लेकर, यहाँ पर बिहार सिपाही के एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस बार जो है कुछ और बदलाव कर दिए गए हैं। बदलाव, सबसे पहले तो आप अपना जब एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे यहाँ से डाउनलोड करने को लेकर, तो आपके सामने पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ आ रहा था और जिसमें डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना कैप्चा डाल के यहाँ से सबमिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ रहा था। बहुत सारे छात्रों के पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर छात्र परेशान भी हो रहे थे। लेकिन CSBC ने फिर एक आपको एक सॉल्यूशन दे दिया। सॉल्यूशन ये है कि आप जो अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाले हैं, जी हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाले हैं, उससे भी आप अपना डालकर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के और किस कैप्चे को डालकर आप सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका जो है सेंटर कहाँ गया है और कब आपका एग्जाम है, किस डेट में आपका एग्जाम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक सूचना और है जो कि बदलाव को लेकर ही यहाँ पर अपडेट किए गए हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया था, इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इन्फॉर्मेशन थी आपके एग्जामिनेशंस को लेकर, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि आपका जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो कब कब होगा, जहाँ पे आपको उसकी जानकारी भी दी गई थी। और ये परीक्षा देखिए, पहले ली गई थी, परीक्षा स्थगित हुई, परीक्षा फिर से ली जा रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और ये एक बड़ा बदलाव है कि एकल पाली में सिर्फ ये परीक्षा हो रही है इस बार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकल पाली में होगी तो भाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है अब बात उठेगी कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। मतलब चूंकि क्या है कि 7 को 11 को 18 21 और 25 28 को एग्ज़ाम है, तो क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किए जाएंगे। तो परीक्षा का स्तर जो है ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल सेम रहेगा, एक्सपेक्टेड है कि लगभग ज़्यादा कठिन नहीं बनाया जा रहा है पेपर इस बार। लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपसे जो गलती बार बार हो रही है या होने वाली है उसको लेकर थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे जैसे कि आपको अपना OMR शीट भरने को लेकर, देखिए अभी आपको बता दें कि जैसे कि जो भी छात्र यहाँ पर प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी सूचना भी दे दी गई है। 21 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिनका एग्ज़ाम 7 अगस्त को है। वही स्थिति यहाँ पर सबका दिया गया है, जिसका इसका जिस डेट में एग्ज़ाम है ठीक एक हफ्ता पहले आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये डेट है, यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सारी जानकारी तो हमने आपको दी ही थी यहाँ पे, लेकिन एक बात और थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट एडमिट कार्ड उन्हीं को सिर्फ अपना बनवाना है जिनके एडमिट कार्ड पे उनका फोटो, उनका सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है। और एक घोषणा पत्र भी इसके साथ संलग्न किया गया है, उस घोषणा पत्र को साथ में लेके जाएंगे आप पटना और अपना जो है एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। अब परीक्षा की तिथि है, मान लीजिए कि आपका 11 तारीख को सपोज, तो आप 9 अगस्त को जाके जो है अपना जो है डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है 5 तारीख को ही चले गए तो आपका एडमिट कार्ड बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जो है आपका तभी बनेगा जिस डेट की यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे आपका 11 अगस्त को है तो आपको 9 अगस्त को जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर खाली हाथ लौटना पड़ सकता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब देखिए, चूंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ कि जो आपका OMR शीट है ना, OMR शीट को भरने में बहुत सारे छात्र बाहर हो जाते हैं। आपको पता है कि इस बार जो है ना लगभग 18 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है इसका, बिहार सिपाही का, और इसका एग्ज़ाम भी दिए थे पिछली बार। तो उसमें देखा गया, पाया गया कि बहुत सारे छात्रों को, करीब करीब 22,000 छात्रों को, लगभग 22,000 को बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका OMR शीट ही ढंग से नहीं भरा हुआ था। किसी का रोल नंबर गलत है, तो किसी का उत्तर पुस्तिका गलत डाला है, तो कोई छात्र ऐसा है कि नाम ही लिखना छोड़ दिया है, कोई पिता का नाम यहाँ पे, तो ये सारी गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि OMR शीट का जो प्रतिरूप है, जो सैंपल है, अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए ये संलग्न किया गया। OMR शीट में हस्ताक्षर, देखिए क्या क्या करना है, सिग्नेचर, प्रश्न पुस्तिका का नंबर यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका नंबर, अपना रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है वो, और अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद कैसे लिखना है मैं आपका अभी दिखलाऊंगा एक OMR का एग्जांपल देकर। देखने में आया है कि कभी कभी अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित परीक्षा में OMR आधारित उत्तर पुस्तिका में वांछित सूचनाएं जैसे कि रोल नंबर,
प्रश्न पुस्तिका नंबर अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर इनमें से जो है प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों के अनुदेशों के अनुसार नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि छोड़ देते हैं या छूट जाता है जल्दबाजी में, सोचते हैं कि लास्ट में करेंगे ऐसा, जिस कारण से उनकी अभ्यर्थता जो है यहाँ पर रद्द हो जाती है। अतः यहाँ पर उनको बोला जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता है उनका, तो इसलिए आपको अगर अपना मेहनत का रंग लाना है जी हाँ तो पीटी निकालना पड़ेगा, तभी जो है आपको यहाँ पर दौड़ के लिए आगे भगाया जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि आपका पीटी निकल ही नहीं रहा है और आप रनिंग पे रनिंग मारे जा रहे हैं। तो ये एक जानकारी है, थोड़ा सा इस पर अपना ध्यान रखिएगा। देखिए इस पर स्पेसिमेन दिया हुआ है आपका, है ना, स्पेसिमेन कॉपी है वो दिया गया है, ओएमआर शीट कैसे कैसे भरना है उसको अच्छे से पढ़ के आपको इसका जो है एग्ज़ाम देना होगा। देखिएगा आपको ये तो जानकारी सब कुछ मैंने दे ही दिया है वैसे तो, लेकिन ये नीचे आएंगे जरा तो ये है आपका जैसे कि ओएमआर शीट, ठीक है, आंसर शीट है। अब यहाँ पे आपको जो है अनुच्छेद लेखन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे कुछ शब्द लिखने हैं, कुछ पैरा लिखना है आपको, और ये पैरा जो है आपके जो है क्वेश्चन बुकलेट में दिया रहेगा या फिर जो भी आपका रहेगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें लिखनी है। आपको 4-5 लाइन जो है लिखना है हिंदी या अंग्रेजी अथवा लिखा गया है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो रोल नंबर है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले आपको रोल नंबर लिख देना है। सपोज़ मान लीजिए आपका रोल नंबर जो भी है 2 है 4 है 9 है 6 है और इसको फिर उसके बाद जो है मान लीजिए कि ये आपका रोल नंबर है, ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका रोल नंबर है। अब ये जो रोल नंबर है इसको कलर कैसे करना है, अब इसको कलर करते समय पूरा का पूरा गोला रंगना है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना है और ना ही इसके बाहर आपका जाना चाहिए गोला, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको जो है सभी को कलर भी कर देना है, ये आपको बहुत ही सावधानी से करना है। ये काम भले ही पहले कर लीजिएगा, क्वेश्चन 2-4 कम बनाइएगा, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, 80-85 नंबर ला देंगे तो, लेकिन ये काम अगर गलती कर दिए तो शायद आपका जो है मार्क्स कट ही नहीं जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे सीधे। उत्तर पुस्तिका यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका भी नंबर यहाँ पर ध्यानपूर्वक लिखना होगा, कोई गलती नहीं। अगर ये गलती हुआ तो समझिए कि आपका कॉपी चेक नहीं हुआ, है ना, परीक्षा देने का मतलब ही कह रहा गया, अनफेयर माना जाएगा आपको। और यहाँ पे जो है सब गोले अच्छे से कलर करना है, नहीं तो आपको जो है इन्विजिलेटर के द्वारा यहाँ पे इसको गलत माना जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर और परीक्षार्थी का सिग्नेचर, यहाँ पे वीक्षक जो होते हैं उनका सिग्नेचर चाहिए और जो यहाँ पे आप हैं वो सिग्नेचर करेंगे, तो सिग्नेचर भी नहीं छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो ये आपका दिया गया है अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना, जो भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिए गए मैंने आपको ऊपर बता दिया। ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा या ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा, जेल वगैरह पेन या पेंसिल का उपयोग मत कीजिएगा, है ना, और ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ के उत्तर पुस्तिका भरना है, ये जानकारी आपको यहाँ से दी गई है। और ये जो है आपको ये तरीका जो है बिल्कुल सही है यहाँ पर रंगने का, ये सारे तरीके गलत है, ऐसे कलर नहीं करना है गोलों को, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोल नंबर ऐसे लिख देना है पहले आपको, देखिए इस एग्जाम्पल तौर पर दिया भी गया है यहाँ पे, और रोल नंबर लिखने के बाद इसको इस तरह से गोला करना, ये सही तरीका है। प्रश्न पुस्तिका भी ऐसे लिख के इसको ऐसे गोला करना है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। अब ये दिया गया है आपका घोषणा पत्र, मान लीजिए कि जो भी छात्र का यहाँ पर फोटो या सिग्नेचर जो है सही से नहीं है उनके एडमिट कार्ड पे, तो ये अपना फॉर्म भरेंगे ये वाला, है ना, घोषणा पत्र भरेंगे और घोषणा पत्र भर के अपना एक फ़ोटो चिपका के और गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के अपना रोल नंबर नाम और हस्ताक्षर करके जो है ना आप लेके जाएंगे कहाँ, तो आपको जाना होगा CSBC के कार्यालय में पटना, ठीक है, और वहाँ पे जाके जो है अपना डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनवाना होगा। तो ये सूचना दी गई है आपको यहाँ पे, जो कि आपका जो घोषणा पत्र है इसको संलग्न किया गया है यहाँ पे। तो ये जो है बदलाव है, एक नया चीज़ जोड़ा गया है इस PDF में, और ये जो है मैंने आपको साझा भी कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर CSBC की वेबसाइट पे भी जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए, पढ़िए अच्छे से। ज़्यादातर अगर आप देखिए समय बहुत कम है आपके पास, तो जो भी सेट आप लोगों ने लगाया है उन सेट का प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, है ना। और ख़ासकर मैं बात करूँ तो यहाँ पे GK GS को पढ़िए, जो भी GK GS पढ़ रहे हैं छात्र यहाँ पे उसको, जिस बुक से पढ़ा आपने, जैसे लुसेंट पढ़ा है तो लुसेंट को पढ़िए, क्राउन पढ़ा है तो क्राउन को पढ़िए, घटना चक्र से पढ़ा है तो घटना चक्र को पढ़िए। ये आपको रिवीजन करने का समय है, अब ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, धन्यवाद।